नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लेह में 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जम्मू में 2 पनबिजली परियोजनाएं और 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की भी आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, परियोजनाओं में विलंब की परंपरा अब समाप्त। बिहार के हाजीपुर में आज सुबह सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डिब्बों के पटरी से उतरने से 6 लोगों की मौत और 36 घायल। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए 1 महीने के अभियान की शुरुआत की। अमेरिका में भारत के राजदूत ने आशा व्यक्त की कि हिरासत में रखे गए विद्यार्थियों से मिलने की अनुमति कल तक मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल दूसरा शाही स्नान और वेलिंगटन में 5वें और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत के 252 रन के जवाब में अंतिम समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 33 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू और लेह में कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने लेह हवाई अड्डे पर 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने विजयपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने 624 मेगावाट क्षमता वाली कीरू पनबिजली परियोजना और किश्तवाड़ में 850 मेगावाट क्षमता वाली रातली पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने अखनूर में चिनाब नदी पर बने 2 लेन वाले 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पुल और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देविका और तवी नदियों के संरक्षण की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने जम्मू में भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तरी क्षेत्र के परिसर का शिलान्यास किया। उन्होंने कठुआ में जांगलोते में एक इंजीनियरिंग संस्थान का भी उद्घाटन किया। जम्मू के विजयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में नई बिजली परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि एम्स से इस पूरे इलाके में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। ये जो 750 बेड का अत्याधुनिक एम्स यहाँ बनने जा रहा है, इससे जम्मू वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेगी ही, शहर के दूसरे मेधावी छात्रों के लिए अनेक नए अवसर भी बनेंगे। एम्स के साथ साथ अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और रजौरी में 5 मेडिकल कॉलेजों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है। इससे पहले श्री मोदी ने लेह में दातांग गांव के पास दाह में 9 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर, अलुस्तेंग, द्रास, करगिल लेह को जोड़ने के लिए 220 किलोवाट क्षमता वाली पारेषण प्रणाली भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने लद्दाख विश्वविद्यालय की शुरुआत भी की। लद्दाख में ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। लेह, करगिल, नुब्रा, जंस्कार, द्रास और खलसी के डिग्री कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। श्री मोदी ने लद्दाख में नए पर्यटन और ट्रैकिंग मार्गों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेह लद्दाख के किसानों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को हर साल सीधे ही उनके बैंक खातों में रकम जमा की जाएगी। इस योजना का लाभ लेह लद्दाख के अनेक किसान परिवारों को भी होने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके बैंक खाते में सीधे 6,000 रूपये हर वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों में आवंटन 30% बढ़ा दिया है और दलितों के विकास के लिए बजट में 35% की वृद्धि की गई है।
शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए बजट में लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि दलितों के विकास के लिए लगभग 35% अधिक बजट का आवंटन इस बार किया गया है। एसटी वेलफेयर के लिए जो 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, इससे अब शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कामकाज में विलंब की आदत से मुक्ति मिल जाएगी और अगले 5 वर्षों में किसी भी काम में किसी भी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन का काम पूरा होने से दिल्ली से लेह की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा। बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पर शुरुआती सर्वे हो चुका है, कई स्थानों में काम शुरू भी हो चुका है। जब ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी तब दिल्ली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। सर्दियों में तो यहां की सड़कें पूरी तरह से शेष भारत से कट जाती है। ये रेल लाइन काफी हद तक इस समस्या को दूर करेगी। प्रधानमंत्री आज श्रीनगर में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। BCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सीमांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के 11 डिब्बों के आज सुबह पटरी से उतर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत नाजुक है। ये गाड़ी बिहार में अररिया जिले के जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बीच चलती है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दुर्घटना सोनपुर डिवीजन के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के निकट हुए। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। दुर्घटना स्थल से मलबों को हटाया जा रहा है। सीमांचल एक्सप्रेस के यात्रियों को गंतव्य स्थान तक भेजने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। सोनपुर मंडल के बछवारा हाजीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाई जा रही है। घायलों का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बीच रेलवे ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रेल मंत्रालय ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम आश्रित को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल को 1 लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। रेलवे ने दुर्घटना से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है सोनपुर में 22-16-45, हाजीपुर में 27-22-30 और बरौनी में 23-22-22। घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी रेल मंत्रालय वहन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए 1 महीने के अभियान की शुरूआत की है। भारत के मन की बात मोदी के साथ नामक इस अभियान का शुभारंभ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता तथा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का ये पहला अभियान होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए किसानों, युवाओं, महिलाओं, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। हमारी यह संकल्प पत्र समिति समाज के सभी स्टेक होल्डर और विषय विशेषज्ञों के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर सेक्टर्स के जो स्पेशलिस्ट होंगे हम उनसे भी भेंट करके उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये भाजपा का नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण का अभियान है।
ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम भारत के गरीब का जीवन स्तर उठाने के लिए, ये कार्यक्रम देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए, आसमान की ऊंचाई तक ले जाने के लिए है, और ये कार्यक्रम नए भारत के निर्माण के लिए है। प्रधानमंत्री ने सभी से कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा के लिए भरोसे का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों के सुझाव से पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में कल सोमवती मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा शाही स्नान होगा। सूत्रों के अनुसार दुनिया भर से 1 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अनुमान है कि इस अवसर पर 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शाही स्नान से पहले आज सवेरे लगभग 7 लाख से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई। कल के मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए मेडिकल सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर एके पालीवाल ने आकाशवाणी को बताया कि मेला क्षेत्र के कुल 11 अस्पतालों और 25 डिस्पेंसरियों को स्नान के मद्देनजर 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। 40 स्नान घाटों और संगम पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 रिवर एम्बुलेंस तैयार हैं। वहीं 1 एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस 86 एम्बुलेंस किसी भी स्थिति के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि 350 चिकित्सक मेला क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कुंभ मेला सिटी, प्रयागराज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि कुछ लोग बिना हेलमेट के सफर करने में एक अजीब सी खुशी उनको मिलती है, पर मेरा यह मानना है कि बिना हेलमेट का सफर करना यानी आत्महत्या करने वाली बात होगी, और एक जिम्मेदार नागरिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक अनुशासित समाज और देश के लिए यह जरूरी है कि आप आज के आज ट्रैफिक अनुशासन को अपनाइए और अपनी जान बचाइए। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने आशा व्यक्त की है कि अधिकारियों को अमेरिका में हिरासत में रखे गए भारतीय विद्यार्थियों से मिलने की अनुमति कल तक मिल जाएगी। इन विद्यार्थियों को अमेरिकी प्रशासन ने एक फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिले के सिलसिले में हिरासत में लिया है। वाशिंगटन में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत सरकार इन विद्यार्थियों के साथ है। भारतीय राजदूत ने कहा कि विदेश मंत्रालय मिशिगन के फार्मिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिले के सिलसिले में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थियों पर आरोप लगाए जाने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कानूनी उपायों की जानकारी दी गई है और वे अपने लिए वकील की मांग भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका में भारत के सभी 5 वाणिज्य दूतावासों ने नोडल अधिकारी को मामले पर नजर रखने को कहा है। सरकार ने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। भारतीय विद्यार्थियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर कल सरकार ने नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के साथ आपत्ति दर्ज कराई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस परमाणु हथियार संधि से अलग हो जाएगा, लेकिन मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती अमरीका के ऐसा करने पर ही होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर 1987 की परमाणु शक्ति संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि रूसी मिसाइलों से निपटने के लिए अमेरिका अपने विकल्प तैयार करेगा। अमेरिका ने 6 महीने के अंदर संधि के अलग हो जाने की चेतावनी भी दी थी। रूस ने संधि के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय 5 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 36 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लेह में 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जम्मू में 2 पनबिजली परियोजनाओं और 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की भी आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि परियोजनाओं में विलंब की परंपरा अब समाप्त हो गई है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल दूसरा शाही स्नान होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।